गाइस हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज है डे 6, दैट इज ग्रीन कलर। तो मैंने ये ग्रीन कलर की चिकनकारी लखनवी कुर्ती पहनी है बेसिकली, एंड झुमका बहुत सिंपल, एंड ये रिंग मैं खरीद के लेकर आई थी नटराज से 150 रुपीज। और सबसे पहले आज मेकअप में करने वाले हैं आइसिंग। सबसे पहले मैं आज करूंगी आइसिंग, क्योंकि ना अगर आप मेकअप कर रहे हो, अगर आप आइसिंग कर लेते हो ना, तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है इस वजह से। और ये बहुत ज़्यादा ठंडा था यार, मुझे डर लग रहा था मुझे छींक ना आए। नेक्स्ट मैंने अप्लाई किया है लिप बाम, जो कि है मेबलिन का बेबी लिप्स। मेरा लिप बाम ख़त्म हो गया ऑफिशियली, सो यस। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्स का सिरम, जो कि अब आपको पता है मेरा करंट फेवरेट हो चुका है। इसके ऊपर वीडियो आएगा 30 डेज चैलेंज वाला, जो आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रेने का बॉलीवुड फिल्टर प्राइमर। यस, आजकल मैं प्राइमर ये पिछले 2 मेकअप लुक से यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से अपने टी जोन एरिया पे लगा लेना है, जहाँ पे आपको स्वेट हो या पॉर्स ज़्यादा हो वहाँ पे। कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का एज डिवाइन कंसीलर इन द शेड 01 आई गेस। इसको अच्छे से मैं ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी, और आईलेट पर भी मैंने सेम कंसीलर अप्लाई कर लिया है बिकॉज कोई हैवी मेकअप नहीं है इसलिए। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ NYB का स्ट्रोक क्रीम इन द शेड 02, गोल्डन शेड है ये शायद, यस। और उसको अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है अपने यू नो कंसीलर जहाँ पे अप्लाई किया वहाँ मत करना, मैंने ना बहुत लेट याद आया तो मैंने कंसीलर के बाद अप्लाई किया। ब्लश के लिए मैंने यूज़ किया अर्थ रिदम का ब्लश, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। मेकअप मैं बहुत ज़्यादा सिंपल रख रही हूँ, तो मैंने सिर्फ हल्का सा पिंक शेड लिया, उसको अपर आईलेट्स पे लगा लेना है बहुत अच्छे से, अच्छे से मतलब उसको डार्क करते जाइए बस। उसके बाद मैंने काजल लिया ग्रीन कलर का, उसको अप्लाई किया है। ये ब्लू हेवन का काजल है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। हल्का सा मैंने कॉन्ट्योरिंग किया है, ये है शिवाना का पैलेट, इसमें से ब्राउन शेड लेके उसके बाद मैंने अपने आईलैशेस को कर्ल किया है। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ नया मस्कारा, जो कि है मेबलिन का स्काई हेयर मस्कारा। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, इसको अच्छे से पैक करके रख भी दिया। ओके, सो इसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर लेना है, क्योंकि मैं कोई लैशेस अप्लाई नहीं कर रही हूँ, जो हैवी आई मेकअप नहीं है तो आप विदाउट लैशेस अच्छे से वर्क कर जाता है। उसके बाद मैंने ये आई शेडो पैलेट में से, ये हिलारी रोडा का आई शेडो पैलेट है, इसमें से मैंने ग्रीन शेड लिया है मैट, उसको जहाँ पे मैंने काजल लगाना हल्का सा ब्लेंड आउट कर दूँगी। और सेम पैलेट में से मैंने ये ऑरेंज शिमरी शेड लेके अपने यू नो इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर लिया है। आईब्रोज़ को मैंने फिल कर लिया है स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल की हेल्प से। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बहुत ज़्यादा फेवरेट मेरा न्यू मेबलिन की लिपस्टिक। सपने मेकअप लोग को कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वन बिंदी, एंड या दैट्स इट।